हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मटका मलाई कुल्फ़ी बनाने की रेसिपी। ये जो रेसिपी है मटका मलाई कुल्फ़ी की, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं और इसके लिए इंग्रेडिएंट देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये 1.5 लीटर दूध लिया है, 1/2 कप मैंने यहाँ पर चीनी ली है, काजू लिए हैं चॉप किए हुए, बादाम, पिस्ता लिए हैं थोड़े से चॉप किए हुए, और ये मैंने यहाँ पर क्रश की हुई इलायची ली है। तो अभी हमें सबसे पहले आइसक्रीम बनाने के लिए दूध को गाढ़ा करना है। तो मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ली है और इसमें दूध को हम डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने गैस का फ्लेम हाई रखा हुआ है और इसी तरीके से हमें इसे जब तक पकाना है जब तक कि इसमें बॉईल ना आ जाए। तो जब तक हम इसे इसी तरीके से पकने देते हैं। तो दूध में बॉईल आ चुका है, अभी हम इसे चलाते हुए जब तक इसकी क्वांटिटी 1/4 नहीं हो जाती इसी तरीके से हम इसे चलाते हुए पकाते रहेंगे। तो मैं यहाँ पर इसको हाई फ्लेम पर पका रही हूँ। अगर आप कोई और काम कर रहे हैं तो उसके साथ इसे लो फ्लेम पर करके रख सकते हैं, जब तक इसकी क्वांटिटी 1/4 नहीं हो जाती, जब तक उसे लो फ्लेम पर इसी तरीके से पकने दें और बीच बीच में चलाते रहें। तो अभी दूध की क्वांटिटी जो है वो 1/2 हो चुकी है, अभी हमें इसे और पकाना है। तो दूध की क्वांटिटी यहाँ पर हमारी 1/4 हो चुकी है, अभी हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और इसमें जो हमने 1/2 कप शुगर ली थी वो भी ऐड कर देंगे। चीनी की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और जो हमने चॉप किए हुए काजू बादाम पिस्ता लिए थे वो भी हम इसमें डाल देंगे। तो ये काजू डाल दिए हैं, बादाम डाल देंगे, पिस्ता डाल देंगे और जो हमने क्रश की हुई इलायची ली थी वो भी इसमें डाल देंगे और इसे थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। तो ये मैंने यहाँ पर इसे थोड़ी देर पका लिया है, अभी हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे दूसरे बर्तन में लेकर के ठंडा कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो रबड़ी वाला दूध है वो एकदम अच्छे से ठंडा हो चुका है, ये देखिए, और ये काफ़ी गाढ़ा भी हो गया है। तो अभी हम इसको करेंगे अपने मटकों में। तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से ये छोटे मटके लिए हैं, इसमें हम इसको फिल कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने इन मटकों में कुल्फी जमाई है, अगर आपके पास मटके ना हो तो आप इस तरीके के कुल्हड़ में भी इसको जमा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कुल्हड़ में भी फिल कर देती हूँ और ये मैंने यहाँ पर चारों कुल्हड़ों को अच्छे से फिल कर लिया है। अब हम इसके ऊपर इस तरीके से पॉलीथिन लगा देंगे, अगर आपके पास ये पॉलीथिन ना हो तो आप फॉइल पेपर भी लगा सकते हैं और इसके ऊपर ये रबड़ बैंड लगा देंगे हम। तो यहाँ पर सभी कुल्हड़ों पर मैं इसी तरीके से रबड़ बैंड लगा देती हूँ पॉलीथिन के साथ। तो ये यहाँ पर हमने इनको कवर कर दिया है। तो मैंने यहाँ पर ये आइसक्रीम कुल्हड़ में जमाई है, अगर आपके पास ये भी अवेलेबल ना हो तो आप इस तरीके से किसी छोटे ग्लास में या फिर अगर आपके पास कांच का ग्लास हो इस तरीके का आप उसमें भी जमा सकते हैं। तो अभी हम आइसक्रीम को 8 घंटे के लिए जमने के लिए रख देते हैं। तो 8 घंटे बाद मैंने इस आइसक्रीम को फ्रिज से निकाल दिया है और ये अच्छे से हमारी जो कुल्फी है वो बिल्कुल जमकर तैयार है, अभी हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, हमारी जो मटका कुल्फी है वो जमकर के तैयार है और हम इसके ऊपर से पॉलीथीन निकाल देंगे। ये देखिए कितनी मस्त लग रही है, देखने में भी अच्छी और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कर देखें, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद भी आती है, साथ ही ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी होती है।
तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है मटका मलाई कुल्फी की, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कर मुझे ज़रूर बताएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो तब तक लेते हैं फ्रेंड्स, बाय बाय, हम मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।